स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हैं अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक शानदार टॉपिक। तो एक शानदार टॉपिक को हम एक शानदार तरीके से शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आज का हमारा एक शानदार टॉपिक है विलियमसन ईथर संश्लेषण। ठीक है, इसे विलियम संश्लेषण भी कहते हैं। तो ये NCERT बुक से हमने लिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम जानते हैं पहले कि ये विलियमसन ईथर संश्लेषण या विलियम संश्लेषण किसे कहते हैं, फिर इनमें किन किन तत्वों से ये मिलकर रिएक्शन करता है और इसका हम फिर रिएक्शन जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये सममित तथा असममित इथरों के निर्माण की क्या है सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है। तो देखिए स्टूडेंट, ये यहाँ पे दिया है सममित तथा असममित। आप लोग सोचते होंगे कि सममित तथा असममित क्या है, तो पहले हम ये आपको बताएंगे कि ये सममित तथा असममित इथर किसे कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने बताया यहाँ पे सममित, तो सममित इथर किसे कहते हैं, वे इथर जिनमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल समूह, अर्थात क्या, वे परमाणु जिनमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल समूह। ठीक है, वे ईथर जिनमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल समूह। तो देखिए स्टूडेंट, हम आपको बताएं कि पहले एल्किल समूह किसे कहते हैं। ठीक है, तो एल्किल समूह कैसे होता है, एल्किल समूह होता है जैसे आप एल्किल में मेथ एथ प्रोप ब्यूट किसी भी तत्व को ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने आपको समझने के लिए बताया, जैसे यहाँ पे हमने बताया कि वे ईथर जिनमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल समूह, ठीक है, क्या होते हैं, समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं, सममित इथर कहते हैं। तो जैसे कैसे किसे सममित कहते हैं ये हम पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो देखिए, जैसे यहाँ पे C2H5, ठीक है, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पे C2H5, ठीक है स्टूडेंट, तो क्या गया, वो किसे प्रेजेंट करता है, ईथर को। ये किसको शो कर रहा है, ईथर को शो कर रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए C2H5, फिर ऑक्सीजन के बाद यहाँ पे C2H5, तो ये क्या है, दोनों ये क्या है, हमने बताया कि मेथ एथ प्रोप किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया, एथ को लिया है। ठीक है, यहाँ दो कार्बन है, अगर फर्स्ट कार्बन को हम क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं, यहाँ दो कार्बन है तो हम उसे क्या कहेंगे, एथ कहेंगे। तो इधर दोनों तरफ क्या है, एथ, दोनों तरफ एल्किल समूह क्या है, वो बराबर है ना स्टूडेंट, समान है। यहाँ पे C2H5 है, फिर ये ऑक्सीजन है, इसके इधर भी एल्किल समूह C2H5, क्या है, दोनों समान है, तो इसे क्या कहेंगे, सममित ईथर कहेंगे। फिर स्टूडेंट हम जानेंगे अब कि असममित ईथर किसे कहते हैं, ये आपके मन में जरूर आता होगा कि असममित ईथर भी किसे कहते हैं, ये भी तो जानेंगे हम। तो देखिए स्टूडेंट, असममित ईथर किसे कहते हैं, वे ईथर जिनमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल समूह क्या हो, भिन्न भिन्न हो, अर्थात समान ना हो। तो ये हो गया हमारा सममित का, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे असममित का। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे हो गया यहाँ पे C2H5, ठीक है, ये क्या होगा, ओ हो गया, ये क्या गया, ईथर समूह हो गया। फिर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जैसे CH3 दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने बताया कि दोनों एल्किल समूह एथ मेथ प्रोब कोई भी चीज़ ले सकते हैं, तत्व तो ले सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों समान है। लेकिन यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये असममित का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये सममित का उदाहरण है, ये असममित का सॉरी उदाहरण है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए C2H5O है, ठीक है, फिर यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे यही नहीं बल्कि ये क्या है, दोनों एल्किल समूह क्या हो गए, भिन्न हो गए, इसे असममित ईथर कहते हैं। तो इन्हीं के ये क्या है, सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, जिन विधि का हम बात कर रहे हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण, ये बहुत ही शानदार टॉपिक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है स्टूडेंट, और ये अगर आप इसे सही करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस विधि में सोडियम एल्कोक्साइड, हमने क्या बताया, इस विधि में क्या लेंगे हम, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, आप सोडियम एल्कोक्साइड के जगह आप प्लेस पर क्या भी ले सकते हैं, पोटेशियम एल्कोक्साइड। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड। ठीक है स्टूडेंट, एल्किल हैलाइड को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो आप स्टूडेंट पहले ये जानोगे कि एल्किल हैलाइड क्या है। ठीक है, तो एल्किल यानी हमने बताया कि एथ मेथ प्रोप ब्यूट कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन ये आपको स्टूडेंट यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि हैलाइड क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो हैलाइड में आप क्या करोगे, हैलोजन वर्ग के तत्व पीरियोडिक टेबल में
स्टूडेंट जो 17 ग्रुप का होता है स्टूडेंट, उसको उसके ग्रुप में जो होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है स्टूडेंट, आयोडीन, ये सब क्या है, हैलोजन वर्ग के तत्व, जिसे क्या कहते हैं, हैलोजन वर्ग के तत्व अर्थात हैलाइड कहते हैं, ठीक है। तो आप, हमने यहाँ पे एल्किल हैलाइड लिया, एल्किल में आप कोई भी एल्किल ले सकते हो, एथ मेथ प्रो ब्यूट किसी भी को ले सकते हो, और हैलाइड के रूप में अर्थात हैलोजन के रूप में आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन वर्ग के सभी तत्व को ले सकते हो, किसी भी तत्व को आप एक को ले सकते हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, सोडियम एल्काक्साइड के साथ एल्किल हैलाइड को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, विलियमसन ईथर संश्लेषण या विलियम संश्लेषण, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर ये हो गया विलियम ईथर संश्लेषण, अब हम जानेंगे कि इसकी रिएक्शन क्या है, ये कैसे बनता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके रिएक्शन में हमने आपको क्या बताया कि हम क्या लेंगे, सोडियम एल्काक्साइड, यहाँ पे हमने क्या बताया, सोडियम एल्काक्साइड, ठीक है स्टूडेंट। तो हम जानेंगे पहले कि सोडियम एल्काक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम एल्काक्साइड की फॉर्मूला क्या होती है स्टूडेंट, सूत्र C2H5, ठीक है, ONA, ये क्या है, सोडियम एल्काक्साइड, ये क्या है, सोडियम एल्काक्साइड। सोडियम एल्काक्साइड, ठीक है स्टूडेंट। फिर यहाँ पे ऐसे रिएक्शन करते समय प्लस का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, प्लस का सिंबल लगाते हैं। फिर हमने बताया क्या लेंगे हम, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड में हमने बताया कि एल्किल के प्लेस पर आप एथ मेथ प्रोब कुछ किसी भी तत्व को ले सकते हैं, और हैलाइड के रूप में हैलोजन वर्ग के किसी भी तत्व को ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी भी तत्व को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, क्लोरीन लिया, और एल्किल समूह में देखिए स्टूडेंट हमने क्या लिया, ठीक है, एथिल क्लोराइड लिया, ठीक है। एथिल क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, क्या होता है, C2H5Cl, ये क्या है, एथिल क्लोराइड है, इसमें एक कार्बन को मेथ और दो कार्बन को एथ कहते हैं, ठीक है, और इसमें क्लोरीन अर्थात हैलाइड समूह जुड़ा है, हैलोजन वर्ग का तत्व जुड़ा है। यहाँ पे हमने बताया इस प्लेस पर आप ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन किसी भी तत्व को ले सकते हैं हैलोजन वर्ग के, लेकिन हमने क्या लिया, क्लोरीन लिया है, ठीक है, आप किसी भी तत्व को ले सकते हैं। तो इसका क्या नाम है स्टूडेंट, एथिल क्लोराइड, ठीक है, एथिल क्लोराइड। तो देखिए स्टूडेंट ये हो गया एथिल क्लोराइड। तो इसके यहाँ पे हम ऐसे इसको लिखेंगे, ठीक है, रिएक्शन करने के लिए लिखें स्टूडेंट यहाँ पे C2H5Cl। आप रिएक्शन को किसी भी प्रकार से तत्व को कर सकते हो रिएक्शन करने के लिए, ठीक है, लेकिन इसके मान में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, कि यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे हम Cl2 लिख दें, ठीक है। इस सूत्र में जो एथिल क्लोराइड का रहेगा वही आप लिखोगे, लेकिन रिएक्शन को आप रिएक्शन आसानी से करने के लिए किसी भी प्रकार से तत्व को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, C2H5Cl है, तो इसको हमने ClC2H5 लिख दिया, ठीक है, इसको रिएक्शन को आसान आपको समझने के लिए लिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट अब हमारा प्राप्त क्या होता है, यहाँ पे एरो लगाते हैं, ठीक है, तीर के निशान। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने बताया डेफिनेशन में कि ये गर्म करने पर, ठीक है, तो जो हीट करने पर स्टूडेंट, तो हीट की जो सिंबल होती है वो क्या होती है, त्रिभुजाकार होती है। अगर आप रिएक्शन तीर के एरो के ऊपर ऐसे लगा दोगे तो अर्थात ये क्या होगा कि ये रिएक्शन क्या हो रहा है, रिएक्शन गर्म करने पर हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हीट की सिंबल। फिर उसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे कि ये इसमें से क्या बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने Cl इसलिए लिखा है, C2H5Cl यहाँ पे ऐसे रहना चाहिए, लेकिन हम इसको रिएक्शन को समझने के लिए इस प्रकार लिखा है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे NaCl, ठीक है, NaCl को क्या किया, राउंड कर दिया, तो बाकी जो हमारे तत्व तो बचे हैं अब हम उनको लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए हमारा क्या प्राप्त होता है, ठीक है, C2H5, ठीक है, C2H5, ओके स्टूडेंट, यहाँ पे O, ठीक है, O लगाएंगे, O है तो फिर यहाँ पे हमारा क्या बचा, हमने तो सिर्फ NaCl को ना राउंड किया है स्टूडेंट, यहाँ पे C2H5 भी बचा है, C2H5O भी बचा है, तो इन सारे को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे C2H5, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, C2H5O और C2H5 यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है, और प्लस यहाँ पे जो हमने राउंड किया है उसको लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो राउंड है उसको लिख लिया हमने,
प्लस एन सी एल, ये क्या हो गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पोटेशियम एल्कोक्साइड लेते तो हमारा क्या प्राप्त होता, पोटेशियम क्लोराइड, लेकिन हमने क्या लिया है सोडियम लिया है, तो हमारा सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो गया। ठीक है, ये स्टूडेंट इसको जानेंगे कि ये क्या प्राप्त हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या प्राप्त हुआ है, डाई एथिल ईथर। तो ये विलियमसन संश्लेषण ईथर संश्लेषण में इससे रिएक्शन कर रहे हैं स्टूडेंट, तो इसमें क्या प्राप्त हो रहा है, डाई एथिल ईथर, ये हमारा क्या है मुख्य उत्पाद है। ठीक है, तो यहाँ पे डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर प्राप्त किया। ठीक है स्टूडेंट, ये डाई एथिल ईथर क्यों है, ये डाई क्यों लगा है। ठीक है स्टूडेंट, आपके भी मन में सवाल ये गूंज रहा होगा, उठ रहा होगा कि ये डाई क्यों है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम जानेंगे ये डाई कैसे, हम इसको आपको समझाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट ये डाई क्यों है, क्योंकि इसमें जो एथिल है, देखिए C2H5 है। ठीक है, तो डाई एथिल इसलिए है कि इसमें एथिल समूह कितने हैं, दो है। अगर एक रहेगा स्टूडेंट, अगर एक रहेगा तो उसको नहीं लिखते, अगर आप लिखो नहीं लिखते हैं। ठीक है, अगर दो रहेगा तो उससे डाई लिखेंगे, तो यहाँ पे C2H5 कितने हैं, दो है, इसलिए हमने डाई लिखा। अगर यहाँ थ्री रहता तो क्या लिखते, ट्राई लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे डाई एथिल ईथर क्या हुआ, हमारा प्राप्त हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट अगर आपको इसी भी इसी प्रकार से और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन को केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ को जानना है स्टूडेंट, तो आप हमारे चैनल अपना विद्यालय पर जाकर वहाँ पे सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर स्टूडेंट, और वहाँ से आप अपना विद्यालय का जहाँ सब्सक्राइब दिखते हैं वहाँ लोगो दाब कर वीडियोज को खोलकर आप हमारे सारे रिएक्शन को देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप को ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज हमारे वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।